दुनिया आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मना रही है। फोटो आपको दुनिया भर की चीजों को आसानी से समझने में ना सिर्फ मदद करता है बल्कि विजुअल्स के सहारे किसी कहानी या फिर खबर को पढ़ने में मजेदार भी बनाता है। मोबाइल आने के बाद से डिजिटल कैमरे से दुनिया भर में रोजाना 350 बिलियन फोटो क्लिक की जाती है, लेकिन बहुत कम ही लोग फोटोग्राफी की सैकड़ों साल पुरानी दुनिया से रूबरू होंगे। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के मौके पर हम आपको फोटोग्राफी की दुनिया की दिलचस्प वाक्या से परिचय कराएंगे। ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि सेल्फी की शुरुआत चंद सालों पहले ही हुई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया की पहली सेल्फी आज से करीब 181 साल पहले क्लिक की गई थी। साल 1939 में अमेरिकन फोटोग्राफर रॉबर्ट कर्नेलियस से दुनिया की पहली सेल्फी क्लिक की थी। रॉबर्ट ने कैमरा सेटअप करने के बाद लेंस कैप हटाकर खुद की ओर दुनिया की पहली सेल्फी क्लिक की थी। अगर बात दुनिया के पहले फोटोग्राफ की करें तो इसे आज से करीब 190 साल पहले क्लिक किया गया था। दुनिया का पहला फोटोग्राफ साल 1827 में खींचा गया था। इस फोटो को फ्रेंच आविष्कारक जोसेफ नाइसफोर ने क्लिक किया था, लेकिन फ्रांसीसी सरकार ने 13 साल बाद पहली फोटो और फोटो क्लिक करने के प्रोसेस डोग्रोटाइप को मान्यता दी। फ्रांसीसी सरकार ने 19 अगस्त 1939 को बिना कॉपीराइट के फोटोग्राफी के प्रोसेस दुनिया को गिफ्ट किया। इसके बाद से ही हर साल 19 अगस्त को फोटोग्राफी डे मनाया जाने लगा। क्या आप जानते हैं कि जोसेफ को दुनिया में पहले फोटोग्राफ को क्लिक करने में करीब 8 घंटों का वक्त लगा था। कलर फोटोग्राफी को सबसे पहले दुनिया में लाने वाले इंसान स्कॉटलैंड के जेम्स क्लर्क मैक्सवेल थे। 17 मई 1861 में दुनिया की पहली रंगीन तस्वीर क्लिक की गई। साथ ही कलर फोटोग्राफी में योगदान के लिए थॉमसन सटन को भी याद किया जाता है। सटन ने सबसे पहले DSLR कैमरे का कंसेप्ट लाया था। और साथ ही साल 1960 में पैनोरामिक कैम वाइड एंगल से दुनिया को रूबरू कराया।